आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीआर पार्क में 12 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट का ड्रामा चला और एक बुजुर्ग महिला ने 83 लाख रुपए गंवा दिए। देश के बड़े शहरों में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक साइबर फ्रॉड है जिसमें अपराधी एजेंसियों के अफसर बनकर गिरफ्तारी का डर दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दिल्ली के पॉश इलाके सीआर पार्क में रहने वाली इस बुजुर्ग महिला से कहा गया कि आप डिजिटल अरेस्ट हैं, आप जहां हैं वहां बैठे रहिए, किसी को फोन किया तो वो भी अरेस्ट हो जाएगा, आपका फोन सर्विलांस पर है, जितना पैसा है वो भेज दो नहीं तो आप अरेस्ट हो जाएंगी, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। बस इसी से डरकर 73 साल की कृष्णा दास गुप्ता ने ठगों को 83 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। आई थिंक आई वॉज हिप्नोटाइज्ड बिकॉज आई वॉज अदरवाइज आई एम नॉट दैट फूल टू एक्ट व्हाट द वे दे आर आस्किंग मी टू डांस। सो मैंने बोला मैं आ गया हूँ, दिन अंदर गया, दिन मैंने बोला सारे पैसे आरटीजीएस करेंगे और आरटीजीएस में मैं जो एड्रेस भेजेंगे उसमें करेंगे। तो आई टोल्ड I was absolutely normal, you know, I was not nervous, I was not this thing. तो RTGS के address दिया मैंने, उस पर RTGS किया, the bank person just told me, madam, everything is all right. I diluted all my fixed deposits. I told them, सारे तोड़ दीजिए, madam, आपको इतना पैसा loss हो जाएगा। मैंने बोला कोई बात नहीं। कृष्णा दास गुप्ता दिल्ली के CR Park इलाके में अकेले रहती हैं। 2017 तक वो दिल्ली में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी। उनके पति संगीत नाटक एकेडमी में डिप्टी सचिव थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी बेटी मुंबई में रहती है। कृष्णा दास के मुताबिक बीती 24 मई की सुबह करीब 9:30 बजे उनके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और एक रिकॉर्डेड मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि आपका नंबर अगले 2 घंटे में ब्लॉक हो जाएगा। फिर कहा गया कि मुंबई में आपके आधार कार्ड से एक और सिम कार्ड लिया गया है जिससे 20 से ज्यादा पोर्नोग्राफिक मटेरियल भेजे गए हैं। इसके बाद उन्हें कहा गया कि उनका नाम जेट एयरबेस के मालिक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी है। अगले 2 घंटे में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश और फर्जी अरेस्ट वारंट भेजा गया। फिर पीड़ित को बैंक भेजकर उनके बैंक अकाउंट से 83 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इस दौरान कृष्णा दास को किसी से बात नहीं करने दी गई और करीब 12.5 घंटे तक वो अपने घर में कैद रहीं। वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी में फर्जी अफसर उन्हें लगातार डराता रहा। मुझे उन्होंने कैमरा के सामने बिठा के रख दिया and my daughter's phone was continuously coming and what is happening then I said no, I cannot talk, if I talk you people all will be arrested. I cannot talk. I was not entertaining anybody. I was just in that room and this poor lady who stays with me, she was also thinking maybe something very important work is going on. कृष्णा दास की बेटी ने मुंबई से आकर FIR दर्ज करवाई, लेकिन FIR दर्ज करवाना आसान नहीं था। FIR करने में 10 दिन लगे, वो भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों DCP से कई बार कहने के बाद। हमें दिल्ली की भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा। अदालत के जांच अधिकारी नियुक्त करने के बावजूद मामले में कोई अपडेट नहीं है। जांच अधिकारी ने मुझे बताया कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें मामले की फाइल तक नहीं मिली है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही हर महीने डिजिटल अरेस्ट से ठगी के 200 मामले सामने आ रहे हैं, जबकि कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के मुताबिक इस साइबर फ्रॉड से सबको होशियार रहना चाहिए। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा मामला है जो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के मच बियॉन्ड चला जाता है। ये नया उभरता हुआ साइबर क्राइम है। हम पूरी तरीके से उसे ना तो IT एक्ट में कवर कर पा रहे हैं, ना ही भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में कवर कर पाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कानून में
डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि ये ठगी करने का एक तरीका है जिसके जरिए ठग किसी को भी बाहरी दुनिया से अलग कर उसको डर दिखाकर उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। ऐसे में ज़रूरत है सावधान और सतर्क रहने की। नई दिल्ली से कैमरामैन स्टीफन एंथोनी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।